Hi friends, welcome to Mission for Excellence. Myself Preeti Trivedi and I am here with all of you for your preparation of SSC exam. तो कैसे हैं आप लोग? तो सुबह बहुत कम लोगों ने कमेंट करके बताया था कि कैसा आपको वीडियो लगा है. तो प्लीज अगर कोई मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट बता दो कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तो आज ये हुई नेक्स्ट और भी लेके आए हैं हम 11th June का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा है चर्चा में. और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखिए अभी मैं बताती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है. क्योंकि देखिए मोदी गवर्नमेंट का मेन फोकस देखो क्या है कि हिंदी पे बहुत ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं. चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हो हिंदी में ही काम होना चाहिए या अदर जगह हिंदी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्विज वगैरह कराते रहते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस हैं. क्या होने जा रहा है कि 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये हमेशा जब भी होती है ना जिस साल उस साल ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती ही है. तो वर्ल्ड 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस तो ये कहाँ पर होने जा रही है? मॉरिशस में होने जा रही. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि ये क्यों होगा, तो आपको पता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार के कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड लेवल पे, यानी ग्लोबल लेवल पे हमें हिंदी का प्रचार और प्रसार करना है. तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी फ्रेंड्स 1975 में नागपुर से 1975 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी. और सर जो लास्ट वाला ये 11th है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस यानी 2018 का, तो इसका जो लास्ट वाला हुआ था भोपाल में, यानी 10th वाली हुई थी भोपाल में. और वो कब हुई थी? 2015 में. इसका मतलब पता है क्या है? 2015 फिर 2018, यानी ये एवरी ईयर नहीं होता है, ये एवरी मतलब ईच थर्ड ईयर पे होता है. हर तीसरे साल पे हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस. इस बार का 11th जो हो रहा है वो मॉरिशस में हो रहा है. फर्स्ट हुआ था 1975 में नागपुर में, 10th हुआ था भोपाल में 2015 में. इस थर्ड ईयर्स के बाद में हम मनाते हैं. अब इसको कौन सेलिब्रेट करता है? ये में जो है कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. क्योंकि पता है आप लोगों में से ये जानते रहते हैं कि हिंदी से रिलेटेड कौन सा होगा, तो बहुत लोग होम मिनिस्ट्री लगा देते हैं कि होम मिनिस्ट्री ऑप्शन में दिखा तो होम मिनिस्ट्री टिक करो. प्लीज गलती मत करना. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कराती है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस. और इसके साथ में इसका जो एक स्टेट है पार्टनर वो है मध्य प्रदेश. याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज कराती है उसका पार्टनर स्टेट कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश. अब जब ये आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप जान लेते हैं कि जो हमारी 11th वाली कॉन्फ्रेंस हो रही है मॉरिशस में हो रही है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है. तो सबसे इम्पोर्टेंट आती है उसकी थीम. तो थीम क्या है कि हिंदी जो है विश्व में, तो हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति, यानी हिंदी विश्व एंड भारतीय संस्कृति, ये इसकी इस बार की थीम है. हिंदी विश्व एंड भारतीय संस्कृति, ठीक है? हिंदी विश्व एंड भारतीय संस्कृति 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की थीम है जो कि होने जा रही है मॉरिशस में. मॉरिशस में कहाँ होगी? तो वहां पे जो ये वेन्यू है वो है स्वामी विवेकानंद. ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में. स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर. तो याद रखिएगा ये है मॉरिशस में. अब आपको सारे फैक्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं. आई होप कि आपको कोई भी चिंता नहीं हो, ठीक? तो देखिए ये स्टेट एमपी इसका पार्टनर है 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस मॉरिशस में हो रही. थीम है हिंदी विश्व एंड की जगह और लिख लीजिए हिंदी में है, ठीक है? हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में है ये इसका वेन्यू. और जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया जाता है विश्व हिंदी सम्मान किसी भारतीय लेखक को दिया जाएगा जिसने हिंदी में सबसे ज्यादा योगदान दिया हो. और इसके साथ में ही इसका जो लोगो डिजाइन होता है उसके लिए भी एक प्रतियोगिता टाइप की होती है जिसके लिए 16,000 रुपीज का कैश प्राइज रखा जाता है. तो ये हो चुकी है और ये सुषमा स्वराज जी ने इसका प्राइज वगैरह भी दे दिया. तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था लोगों का
तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दी। फर्स्ट हुआ था 1975 में नागपुर में, टेंथ हुई थी भोपाल में 2015 में, एवरी थियरी 3 ईयर्स पे होती है, तो 2018 की होगी कहाँ पे, मॉरिशस में। और जब मॉरिशस वाली हो जाएगी वहां पे आप दो चीज नोटिस कीजिएगा, एक तो विश्व हिंदी सम्मान ये करिएगा, दूसरा वहां पे नेक्स्ट वाले का वेन्यू डिसाइड हो जाएगा, यानी 18-21 वाला 2021 में जो होगा वो वाला कहाँ पे होगा उसका बारे में आ जाएगा। तो थीम है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति, और ये तो हमने बता दिया। इसका वेन्यू कहा है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कॉन्वेंट कन्वेंशन सेंटर। तो ये था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेगा।